आज हम जो पढ़ने वाले हैं अगले नक्षत्र की बात करने वाले हैं, पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे। पुष्य नक्षत्र हमारा आठवें नंबर का नक्षत्र होता है और यह है जो नक्षत्र का लॉर्ड होता है वो कौन होता है, शनि होता है। ठीक, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दूंगा जो मैं देता हुआ चल रहा हूं कि ये जो नक्षत्र है हमारे ये इस टेबल के अंदर स्टेबल है, इस टेबल के अंदर जिसको हम यूनिवर्सल टेबल कहते हैं। अब देखिए इस टेबल पे थोड़ा सा गौर करें, आप ध्यान से थोड़ा सा इस चीज को देखें कि मैंने कल जब आपको बात स्टार्ट करी थी तो ये सारे नक्षत्र राशियों के अंदर होते हैं। एक राशि में कितने नक्षत्र बताए थे कल मैंने, सवा दो नक्षत्र बताए थे। एक राशि के अंदर सवा दो नक्षत्र होते हैं, कितने होते, सवा दो नक्षत्र। और हर एक नक्षत्र फिक्स है आपका पर्टिकुलर, हर नक्षत्र फिक्स है कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होगा, ये फिक्स है 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। तो आप देखिए कल मैंने जो बात शुरू करती थी उसी को दोबारा से बता रहा हूं कि इधर की तरफ यूनिवर्सल टेबल जब आप पढ़ोगे ये इस कॉलम की तरफ, यहां पे सामने देखें इस कॉलम की तरफ हमेशा नक्षत्र लिखे होते हैं। देखिए नक्षत्र स्वामी, पहले नक्षत्र का नाम लिखा है फिर उसके लॉर्ड का नाम लिखा है। अब देखिए ये पूरा हो गया 13-20 तक, फिर 13-20 से जस्ट स्टार्ट होगा अगला भरणी नक्षत्र, उसका लॉर्ड लिखा है। ठीक, ऐसे ही 13 डिग्री 20 मिनट ये चलेगा, 26-40 पूरे अपने करेगा यहां से। जैसे ही पूरे करेगा, पूरे करते ही तो वो क्या करेगा, अपना मूव करेगा अगले नक्षत्र की बात करेगा, वो कृतिका की बात करेगा। और कृतिका का लॉर्ड कौन होता है, सूर्य होता है। क्लियर हुई बात? तो अब हम ऐसे करते हुए मेष राशि के कंप्लीट करके वृषभ के मृगशिरा को भी पूरा करके हम कहां पहुंच गए हैं, पुनर्वसु पर हमने बात करी थी, हम यहां पर पुनर्वसु पर पहुंच गए थे। ये कल हमारा पूरा हो गया था गुरु का नक्षत्र। अब हम जब बात करेंगे तो पुनर्वसु के बाद आप देखिए ये कंप्लीट राशि खत्म हो गई यहां पर, और कौन सी राशि में था, ये था आपका मिथुन राशि। अब मिथुन के 3 नंबर के बाद कौन सी आती है, 4 नंबर कर्क राशि, ये कर्क राशि होती है। इसके अंदर जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो पुनर्वसु थोड़ा सा पार्ट उसका आगे भी आ रहा है 3 डिग्री 20 मिनट तक, यहां तक हम बात कर चुके। अब 3 डिग्री 20 मिनट के बाद हमारा अगला नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र। ठीक है, अब ये किस राशि के अंदर आ रहा है आप देख लीजिए, कर्क राशि के अंदर आ रहा है। इसके जो भी चरण है पूरे के पूरे ये यहीं पर पूरा समाहित है। ये 3 डिग्री 20 मिनट से अगर ये स्टार्ट होगा और अपने 13 डिग्री 20 मिनट लेगा तो कितने हो जाएंगे, 16-40 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक ये पूरा स्पेन में इसको मिला है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जो हमारा पुष्य नक्षत्र है उसका लॉर्ड कौन हो गया, शनि हो गया। और ये किसकी राशि में पड़ा हुआ है, कर्क राशि में पड़ा हुआ है। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो ये किन किन चीजों के रिजल्ट को निभाने में सक्षम होगा, ये हमारे किन किन चीजों के रिजल्ट को निभाने में सक्षम है जी, ये हमें चंद्रमा के, हमें चंद्रमा के और शनि के, इन दोनों के रिजल्ट्स को मिलाकर देगा। कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, अभी आपको ये ग्रह स्वामी है, शाब्दिक अर्थ ये है, तो थोड़ी देर में अभी मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को, नोट आउट कर लें। पुष्य नक्षत्र के अंदर चंद्रमा एवं शनि के सम्मिलित प्रभावों को पाया जाएगा। यहां चंद्रमा चुंबकीय विचार और शनि एकाग्रता स्थिरता की बात करेगा, एकाग्रता और स्थिरता की बात करेगा, चुंबकीय गुणों की बात करने वाला है, चुंबकीय गुण। और शनि एकाग्रता धैर्य, शनि का खुद का रोल कैसा होता है वो खुद की बात कर रहा है।
अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में आते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आपको, क्यों चारों आते हैं? मैंने बताया ना वो 3 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और अपने खुद के 13 डिग्री 20 मिनट का स्पेन मिलेगा जो बन जाएंगे 16:40, तो पूरा पूरा चारों चरण उसके अंदर आ रहा है। अब इसका मतलब सीधा ये बात क्यों बताई जा रही है आपको, इसलिए बताई जा रही है कि भाई सबसे ज्यादा पुष्य नक्षत्र पर अगर किसी चीज का प्रभाव है तो वो कर्क राशि के अंदर आता और पूरा रास्ता उसे पूरा स्पेस में बैठने के लिए मिला है। बट पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते आपको मिलने वाला है। तो क्या कहते हैं, आप देखिए इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो गाय के थन जैसा है, अर्थात गाय का यहां मतलब होता है सीधा सीधा दया, करुणा, पोषण, हमेशा दूसरे को कुछ देने वाली भावना है, इस तरह का इसमें वर्ड लिखा हुआ है। और सीधा सीधा सा है, आप ये नक्षत्र जिसका भी होता है वो समाज को जोड़ने की बात करता है हमेशा। कैसी बात करेगा? जोड़ने की बात करेगा। समाज को जोड़ने की बात कौन करता है? पुष्य नक्षत्र। अब आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, म्यूट कर लें प्लीज, आगे इसमें पॉइंट आउट और नोट करें। हा, ये नक्षत्र हमारे जीवन में देव अर्थात जो देव बृहस्पति है वो देवता है, हर नक्षत्र का एक देवता होता है अलग अलग, तो इस नक्षत्र के जो देवता है वो बृहस्पति है और बृहस्पति के कारण इस नक्षत्र के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या आ गई, एक एनर्जी आ गई है। रीजन आपने हमेशा सुना होगा, एक वर्ड हमेशा सुनते रहते हैं टेलीविजनों पर, आज शनि पुष्य नक्षत्र पर है, आज गुरु पुष्य नक्षत्र पर है, क्योंकि जब जब गुरु पुष्य नक्षत्र पर होता है, शनि पुष्य नक्षत्र पर होता है तो अच्छे योग माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? इसके पीछे रीजन आपको समझ में, चंद्रमा के अंदर बहुत सारे चुंबकीय गुण है जो व्यक्ति के अंदर प्रेम, उसको अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ विचारशीलता का गुण, ये सारी चीजें, धैर्य, दूरदर्शी, बुद्धिमान, ये सारे रिजल्ट वो दे रहा है। और असली जो पॉइंट है इसके अंदर, जो अगली बात है वो हमारी, वो है इसके जब कारक तत्वों पर आप जब जाएंगे तो कारक तत्व से हमें क्या चीज मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको देखिए एक चीज बता दूं, यहां पर आप एक पॉइंट नोट करें, जितने भी त्याग, बलिदान, एक वर्ड आएगा बलिदान, ये बलिदान मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमेशा जहां गुरु और शनि का रिजल्ट होंगे जीवन में, ये हर जगह काम आने वाले जो वर्ड बोलता हूं, जिसकी कुंडली में भी गुरु और शनि साथ बैठे होते हैं ऐसा व्यक्ति त्याग और बलिदान ज्यादा दे सकता है एज कंपेयर टू अदर्स। किफायती, ईमानदार, ये सब बहुत सारे वर्ड पुष्य के अंदर होते, दैट्स अच्छा नक्षत्र माना गया, बहुत ही स्टेबल नक्षत्र है। प्रोफेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी हम इस नक्षत्र पर आएंगे या इसकी बात करेंगे, ट्रस्ट के अंदर कोई बड़े पदों पर यह व्यक्ति रहता है, बड़े पद इसको मिलते हैं। दूसरा, हमेशा जीवन में उपकार के या मंत्री पद भी अगर मिलता है तो भी ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उनको, जो खा जाते हैं मतलब भ्रष्टाचार में ये संलिप्त नहीं होता है, भ्रष्ट नहीं कहलाएगा। इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत है, प्रोफेशन के अंदर कोई भी प्रोफेशन में चला जाए वहां पर ईमानदारी से काम करने वाला होगा। शिक्षाओं के अंदर इसके अंदर सबसे बड़ी बात आएगी जो है, जो हमारा शनि का संबंध है वो है अर्थशास्त्र से, MA। एक वर्ड आएगा यहां पर जो है, यह नहीं लिखा है, जब भी गुरु और शनि की बात होगी तो जितना हमारा लॉ को इंप्लीमेंट कराना है समाज के अंदर, अर्थात उसको बोलते हैं जो है इतिहास टाइप का, जो हम लॉ बनाते हैं लॉ को फॉलो कराना, लॉ को जितने भी हमारे कानून बनते हैं उन कानूनों को फॉलो कराना,
तो उस हिसाब से यहां आप लिख सकते हैं शिक्षा ये सारी चीजों पर एप्लीकेबल है। दूसरा बीमारी के अंदर आ जाइए, हाँ अगर इस व्यक्ति को अगर कोई भी चीज की बीमारी है तो सबसे ज्यादा सबसे पहले जो पेट से संबंधित बीमारियां पकड़ेगा, पेट से संबंधित चीजें इसको ज्यादा दिक्कत करने वाली है। और यहाँ पर ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी है, पी लिया है इसके, यहाँ ये सब नॉर्मल बातें लिखी हुई है। यहाँ आप लिखे हैं श्वसन प्रणाली में, ठीक है ये वर्ड ये रहा, गैस्ट्रिक अल्सर पित्त से संबंध, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसको आप नोट करें। बॉडी पार्ट्स में सबसे ज्यादा इसके पास जो पूरी पावर है वो पहले ही वर्ड के पास है, श्वसन प्रणाली फेफड़ा वर्ड है। और दूसरा आप पेट वर्ड जरूर लगाएं, पसलिया और पेट, बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल है, वो चंद्रमा के कारण है, बहुत ज्यादा नहीं।